guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Priyam, और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने किसके साथ? फॉर्मूला चीट शीट के साथ यार. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूला चीट शीट की, और फॉर्मूला चीट शीट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों ही डील करेंगे, क्योंकि दोनों इजी टॉपिक हैं. तो ज्यादा मेरे को लगा नहीं कि इसके लिए दो सेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आई थॉट कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक दोनों को एक ही में कर देते हैं. तो फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि चीट शीट का मतलब ये है फॉर्मूला, और एज सच इस दो चैप्टर में फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, इस दो चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. तो चलो करते हैं, हियर वी गो. अब ध्यान से देखो और ध्यान से समझो. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सारे बच्चे जानते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में दिखाया जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहां पे ए एक्स का कोफिशियंट है, बी वाई का है और सी कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो सारे बच्चे जानते हैं, अच्छी बात है. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पेयर की बात की गई है, सिर्फ एक की बात नहीं की गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. मतलब जब ऐसे ऐसे दो इक्वेशन लिखे जाएंगे, तो ऐसे ऐसे दो इक्वेशंस को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो. ये होगा आपका पहला इक्वेशन. और दूसरे इक्वेशन को आप दिखाओगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू. जनरली हम इसी फॉर्मेट पे लिखते हैं या देखते हैं, और इसी से हम सारे क्वेश्चंस, मतलब अपने सारे फॉर्मूले याद रखेंगे. तो ध्यान रखना, देखो लिखने के लिए तुम कुछ भी लिख सकते हो. तुम पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर लिख दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिख दो, वो भी माना जाएगा. लेकिन जनरल कन्वेंशन जो है वो मैं बता रहा हूं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो समझने वाली बात इसमें क्या क्या है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है ना, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं हम. तो अगर मैं सिर्फ एक लाइन की बात करूं, हमेशा पहला तो ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं पेयर की नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर ऐसा हो तो इसका ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये हमेशा याद रखना. तो अगर एक इक्वेशन है जिसमें x और y दोनों की चर्चा की गई है, 2x plus 3y, या x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. अब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो लाइन कैसे बनता है? मल्टीपल पॉइंट्स की मदद से. तो ये मल्टीपल जो पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली वो पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अगर लाइन पे लाई कर रहे हैं मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो अगर सिर्फ एक लाइन तुम देते हो ना, तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, ऑब्वियस है, इनफाइनाइट पॉइंट्स. और ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं बेटा, यही इनफाइनाइट पॉइंट्स ना तुम्हारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं. तो इसीलिए कहा गया है, अगर आपको याद हो थोड़ा, कि इसमें कोइंसिडेंट का एक सिचुएशन आता है. याद आ रहा है? कोइंसिडेंट में होता क्या है ना, कि एक ही इक्वेशन को दो तरीके से लिख देते हैं. जैसे मान लो अगर एक इक्वेशन है 2x plus 3y plus 5 equals to 0, और दूसरा इक्वेशन लिख दिया किसी ने 4x plus 6y plus 10 equals to 0. तो कहने को तो इनके रेशियो इक्वल है कोएफिशिएंट के, 2 by 4 equals to 3 by 6 equals to 5 by 10. बट तुम रियलिटी में देखोगे तो पहले वाले इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया गया. देखो ध्यान से, यही किया गया है. पहले वाले में 2 मल्टीप्लाई करके दूसरा लिख दिया गया है. मतलब रियलिटी में दो इक्वेशन है ही नहीं, रियलिटी में तो एक ही इक्वेशन है. और वो एक इक्वेशन मतलब एक लाइन, एक लाइन मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स. इसीलिए ऐसे सिचुएशन को हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सिचुएशन कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस में. समझ गए, बात क्लियर है? अब अगर ये वाली बात क्लियर है तो मेरे बच्चों, इसीलिए जब हमारे पास दो लाइंस होते हैं, जब दो लाइन होता है तो एक और दो, ये दोनों का एक कॉमन पॉइंट होता है, और ये एक कॉमन पॉइंट यूनिक होता है, क्योंकि दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकता है. और इसे ही हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये जो यूनिक पॉइंट है जो दोनों में है, यही पॉइंट, यही जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, आपके दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, यहां से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शुरू होता है. तो ध्यान रखिएगा एक लीनियर इक्वेशन के बारे में. तो ये पहला लीनियर इक्वेशन के बारे में बता दिया, अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन के बारे में सारी चीजें ध्यान रखिएगा. अब कुछ बच्चे इसको भी भूल जाते हैं, तो यार ये तो क्लास 9th का है. अब अगर इसको भूल जा रहे हो तो मैं क्या बोलूं, ऐसे भूलना तो नहीं चाहिए, कतई नहीं भूलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम भूल जा रहे हो तो मैं क्या ही बोलूं, कैसे ही बोलूं. अच्छा नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं,
ठीक है, छोड़ दो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। खैर मैं बता देता हूं कि क्या है वो, आप दोबारा से समझ लो। वो ये है कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, इस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है, इसका नाम है वाई इक्वल्स टू जीरो और इसका नाम है एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों सिनोनिम है एक तरह से, ये समझो ये इनके दूसरे नाम है। ये है ओरिजिन, इसको भी याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लो अगर दिया हुआ है कि इसका कोऑर्डिनेट है पी कॉमा क्यू, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, पॉइंट ए का। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि ए पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ए पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो बच्चे एक्साइटमेंट में पी बोल देते हैं कि सर पी एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस से पी डिस्टेंस की दूरी पे होगा। गलत है, हमेशा याद रखिए पॉइंट का डिस्टेंस जिस भी एक्सिस से पूछा जाए उसका अपोजिट वाला वर्टेक्स, उसका अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट उसका आंसर होता है। क्या बोला मैंने, पॉइंट का डिस्टेंस जिस भी एक्सिस से पूछा जाए तो ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे आंसर में, इसका बाजू वाला लिखेंगे क्यू, मतलब ए पॉइंट एक्स एक्सिस से क्यू यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। वैसे ही ए पॉइंट वाई एक्सिस से पी यूनिट के डिस्टेंस पे है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये यहां पे लिखी हुई है, तो अगर आपको नहीं ध्यान हो तो देख लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, मैंने इसलिए लिख दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट, वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वो भी यहां पर देख लो। अगर मान लो ये एक लाइन है तो इस लाइन का इक्वेशन देखो, एक तो दिख रहा है साफ साफ कि ये लाइन सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, हमेशा याद रखिएगा अगर कहीं लिखा रहता है y इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट नंबर, हो सकता है y इक्वल्स टू 2 लिखा हो सकता है y इक्वल्स टू माइनस 2 लिखा हो सकता है y इक्वल्स टू 2 बाई 3 लिखा हो। तो y इक्वल्स टू 2 बाई 3 को लिखने का दूसरे तरीके भी हैं, हो सकता है लिखा हुआ हो 3 इंटू y इक्वल्स टू 2, 3y इक्वल्स टू 2, हो सकता है 2 को इधर भेज दें 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ हो, सॉरी 3y माइनस 2। मतलब मुद्दे की बात यह है, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है और इन सारे फॉर्मेट में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, एक चीज कि ये जितना फॉर्मेट हो, अलग अलग फॉर्मेट याद करने बैठोगे तो हजारों फॉर्मेट दिखेंगे, इन सब में एक चीज याद कर लो बेटा, x मिसिंग है। देखो x नहीं है, x नहीं है, x नहीं है, x नहीं है, x नहीं है। लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, ये 3y माइनस 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप का लग भी रहा है, बस x बेटा गायब है। तो हमेशा याद रखने का, अगर किसी भी इक्वेशन में x गायब है मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, अगर x गायब है तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कहते हैं ना, जो बेचारा बहुत गरीब होता है, जिसको पैसे का अभाव होता है, आगे चल के वही बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, ऐसा होता है जनरली। तो जिसको पैसे का बहुत अभाव है वो आगे चल के बहुत पैसे कमाएगा, वैसे ही यहां पे x का अभाव है इसीलिए ये x के पैरेलल चलेगा। इस इक्वेशन में x है ही नहीं, देखो y इक्वल्स टू 2 x है ही नहीं, तो ये x के पैरेलल चलेगा और सेम y के साथ होगा। अगर कोई एक ऐसा लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, हमेशा याद रखिएगा इस लाइन के इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। हो सकता है इसका इक्वेशन हो 2x माइनस 3 बराबर 0, हो सकता है इसका इक्वेशन हो 2x प्लस 3 बराबर 0, हो सकता है इसका इक्वेशन हो x इक्वल्स टू माइनस 1, हो सकता है इसका इक्वेशन हो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ गए इतनी बात? तो ये सारी चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? तो ये वाला तरीका तो मैंने बता ही दिया, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है, a1² + b1² = not = 0, फाइन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल और साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली चीज जो मैं आपको दिखा रहा था, अब जब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहता हूं, पेयर का मतलब हो गया दो होने चाहिए, तो दो होने चाहिए तो दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यार आपस में इंटरेक्शन जो दो लाइंस का हो सकता है वो तीन ही हो सकता है। पहला तो सबसे पहले मैंने पढ़ा दिया कि भैया एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरा लाइन बैठ जाए, चढ़ जाए, तो मतलब ये बेसिकली इंटरेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब होता है बेवकूफ बनाना। उसने दोबारा दूसरा पैर दूसरा लाइन बनाया नहीं है, उसने बोला देखो ना सर इसी लाइन पे ना दूसरा लाइन बैठा है। इट्स जस्ट लाइक कि ये व्हाइट पेंट, मतलब दीवार पे व्हाइट पेंट लगा हुआ है और मैंने मिस्त्री बुलाया और मैंने बोला
इस पे वाइट पेंट कर दो, मैं शाम तक आऊंगा। और शाम तक आके उसने मेरे को दीवार दिखा दी, देखो सर। मैं बोला ये तो वाइट है, आपने इस पे पेंट नहीं किया। तो बोलेगा सर पेंट तो किया तभी तो वाइट है। मैं बोला वो तो पहले से था। तो नहीं, पहले से था, मैंने वापस से पेंट किया तभी भी वाइट ही रहा। तो इट्स जस्ट लाइक बेवकूफ बनाना। तो ये वाला जो केस होता है, ये इंटरेक्शन है, हम मानते हैं, लेकिन आप समझ ही रहे हैं। और इसी केस को कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरा। ये तभी होता है जब सारी के सारे पैरामीटर्स बराबर हो जाएं। a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। जब सारे के सारे बराबर हो जाएं, ठीक है? तो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 सारे के सारे बराबर हो जाएं, तो कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, जिसको हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है? अब इसको हम एक टाइप का इक्वेशन भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्यों कहते हैं वो बताऊंगा, अभी रुक जाओ। इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, वो हो गया, ठीक है? दूसरा जो होता है वो होता है, जो मैंने बताया था अभी, हालांकि ये पहला होना चाहिए था, यूनिक लाइन। तो दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी। दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं, दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसका सिचुएशन होता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। यार ये जो डंडा है ना, ये यहां पे आना चाहिए था, ये लगता है कुछ एडिटिंग में गड़बड़ हुई है, तो जस्ट इग्नोर। a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होना चाहिए, तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है? और जो तीसरा सिचुएशन बनता है, उसमें होता क्या है कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल, ये भी मुमकिन है। जाहिर सी बात है, दो लाइन जब है तो उसके यही तीन सिचुएशन हो सकते हैं, या तो एक दूसरे के ऊपर हो, या एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा हो, या एक दूसरे से दूर हो, या तो मियां बीबी हो जाए, या तो दोस्त हो जाए, या तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, ठीक है? माना कि उल्टा चलता है सर, पहले दुश्मन होते हैं, फिर थोड़ा प्यार बढ़ता है, फिर दोस्त बनते हैं, फिर हो सकता है अगर मामला सब सही रहा, परिवार वाले राजी हो गए, तो मियां बीबी बन जाएंगे, ठीक है? इट्स ओके, जैसे करना है। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल का सिचुएशन होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2। ये c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जब दोस्त हैं ही नहीं, दुश्मनी चल रही है, तो दोनों के बीच कोई सॉल्यूशन निकले, कोई सॉल्यूशन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो मैटर, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है? यहां तक समझ गए? अब ध्यान रखना, अब याद करो, मतलब याद दिलाने का एक तरीका, याद रखने का एक तरीका बताता हूं कि कैसे कंसिस्टेंट होता है, कैसे इनकंसिस्टेंट होता है। तो याद रखना, जब ही भी सिस्टम मेरा सॉल्यूशन देगा, जब ही भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेरे सॉल्यूशन देंगे, उस टाइम पे उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं कंसिस्टेंट सिस्टम कहूंगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं देंगे तो इनकंसिस्टेंट कहूंगा। यहां कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो सोल्यूशन एट ऑल, इसीलिए इस सिस्टम को मैंने नाम दिया है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इन दोनों के दोनों सिचुएशन में सोल्यूशन मिल रहा है, पहले में यूनिक मिल रहा है, दूसरे में ठीक है यूनिक नहीं मिल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी मिल रहा है, बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, इतने नहीं चाहिए थे, लेकिन ठीक है मिल तो रहा है। तो सोल्यूशन यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसीलिए इन दोनों सिचुएशन को कंसिस्टेंट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन मिलना, इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए कंसिस्टेंट में दो सिचुएशन आ जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइंस। नो सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइन पैरेलल होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला तो ये देखो, ये दिखाई दिया नो सॉल्यूशन का सिचुएशन, वन सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सॉल्यूशन, अच्छा अगला टॉपिक, तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, एल्जेब्राइक सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो दो मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तीसरा वाला मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ करता था, एक हादसे में कोविड के हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी एंड ही कुड नॉट मेक इट। तो आज हमारे बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो ये 2020 में ही उसका देहांत हुआ है, तो 2020 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का देहांत हो गया और अब हमारे बीच वो नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट श्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लेट श्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमारे पास नहीं रहे, बाकी दो बचे हैं, उनके भाई लोग, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो ये दोनों कोविड के मार को झेल गए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं।
तो सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने का तरीका, ये सब लिखी हुई चीजें हैं, मैं इस पे मतलब ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा टाइम लगाने के लिए, इससे ज्यादा बेहतर है आप टाइम लगाइए सॉल्यूशंस सॉल्व करने पे, तरीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, अगर किसी को जरूरत पड़े तो देख लेना, बस उसी के लिए लाया हूं मैं रेफरेंस के लिए। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद क्वाड्रेटिक अभी शुरू करेंगे। बीच में ये इंफॉर्मेशन ले लो कि जो जो बच्चे INMO की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, या ये कह लो प्री आरएमओ, आज अभी उसका नाम IOQM हो गया है, तो प्री आरएमओ भी नाम बदल गया, कोविड में सब बदल गया है, रिश्ते नाते बदल गए, लोग बदल गए, तो प्री आरएमओ को अब IOQM के नाम से जाना जाता है। तो IOQM में जो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ये नेशनल लेवल का INMO कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां पे लोहित सर, चेतन सर और अभय सर तीनों क्लासेस लेंगे। मैं बता दूं आपको, लास्ट ईयर जब मैंने प्री आरएमओ का बैच शुरू किया था तो प्री आरएमओ, आरएमओ और INMO, तो INMO में लोहित सर और अभय सर मेरे साथ थे, इन्होंने भी बहुत सारे क्लासेस लिए थे INMO में। इस साल मैं INMO नहीं ले रहा हूं कुछ कारण के वजह से, कुछ कारण मतलब बेसिकली मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ दूसरी चीज़ों में, तो वहाँ से अभी हाथ निकालना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, इसलिए इस साल मैं नहीं ले रहा हूँ। बट हाँ, सर लोग धाकड़ पढ़ाते हैं, मतलब धाकड़ मतलब अल्टीमेट धाकड़, तभी तो पिछले साल सर लोग मेरे साथ INMO कैंप में थे, तो इस साल सर लोगों ने वापस से INMO कैंप लॉन्च किया है, तो जो 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 बच्चे प्री आरएमओ में हैं वो ज़रूर जाएं और ख़ुद को इनरोल करें, ठीक है। चलो, तो ये 21 जनवरी से शुरू हो रहा है, हर रोज़ दो दो घंटे की क्लास होगी, 10 टॉपिक वाइज क्लासेस होंगे। अच्छा, हर रोज़ होगी कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन 10 क्लासेस होंगे दो दो घंटे के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाइए ज्वाइन कीजिए। हाँ, अब शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बड़ा ही सिंपल है, थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि सारी थ्योरी हमने पॉलीनोमियल्स में पढ़ ली है। जैसे क्वाड्रेटिक क्या होता है वो भी हमने पॉलीनोमियल में पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे दिखाते हैं वो भी हमने पॉलीनोमियल में पढ़ लिया, ax2 + bx + c, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हमने पढ़ लिया एक तरीके से, कौन सा तरीका, मिड टर्म स्प्लिटिंग, जो फैक्टराइजेशन को कहते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो ये भी हमने कहाँ पढ़ लिया, पॉलीनोमियल में पढ़ लिया। अच्छा, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल ये भी हमने पॉलीनोमियल में पढ़ लिया, कैसे पढ़ा, अल्फा और बीटा के नाम से, इसका हमने दो प्रॉपर्टी भी पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। उसके बाद मैक्सिमम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो हो सकते हैं, ये चीज हम क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, दो होंगे कि एक भी हो सकता है कि एक भी नहीं हो सकता, ये सारी चीजें। तो इसके लिए यहां से एक एक्स्ट्रा चीज निकलती है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं, पॉलिनोमियल में हमने सिर्फ एक तरीका पढ़ा था, दूसरा तरीका होता है बेटा यहां पे फॉर्मूला मेथड, और वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला देखो, फैक्टराइजेशन तो पता है, ये होता है फॉर्मूला, देखो ये होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये बेटा डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू प्लस है या माइनस इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, ये डिस्क्रिमिनेंट प्लस है तो बेटा रूट के अंदर प्लस अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट प्लस होगा तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट प्लस होगा यहां पे, तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, अनइक्वल मतलब वो अलग अलग दो रूट दिखेंगे, जैसे 2 और 3, 5 और 9, 6 और 8, -1 -5, ऐसा टाइप से। लेकिन अगर जो ये डी जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, तो बेटा देखो इससे क्या दुर्घटना घटेगी, एक्चुअली माइनस बी प्लस और माइनस अगर हम करते थे तो दो वैल्यू आती थी, अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैं याद दिला देता हूं, x = -b + √d/2a, ये हमारा एक जीरो बनता था, अल्फा इसे हम कहते थे, और x = -b - √d/2a, ये हमारा दूसरा रूट बनता था बीटा। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये हमारे दो जीरोस बनते थे, इन्हीं दो जीरोस को हम लोग टू डिस्टिंक्ट रूट्स कहते थे। तो अगर डी पॉजिटिव है तब तो अच्छी बात, लेकिन मान के देखो कि अगर डी जीरो हो जाए, तो बेटा माइनस बी प्लस जीरो और माइनस बी माइनस जीरो, कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब डी जीरो होगा तो रूट तो रियल मिलेगा आपको, रियल मिलेगा लेकिन इक्वल हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। और
अगर भैया डी नेगेटिव हो जाए तब तो कुछ कहना ही नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अगर डी नेगेटिव हो जाएगा ना, अगर डी नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये जो आपने लिखा था ना यहाँ पे, ये पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। अगर वैलिड नहीं है तो फिर सब मामला बर्बाद, तो मामला बर्बाद। तो इसलिए डी नेगेटिव पे अनइक्वल इमेजिनरी, अनइक्वल की तो जरूरत ही नहीं, आप बस ये समझिए नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट इसका रियल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस ये तीन सिचुएशन आपको ध्यान में रखने हैं। हो गया, पूरा चैप्टर ने पढ़ गया, अब है ही नहीं इसको इस चैप्टर में कुछ भी। समझ गए सारे बच्चों? सारे बच्चे मतलब सारे बच्चे समझ गए, चलो अच्छी बात है। अगर सारे बच्चे समझ गए, डी लेस देन जीरो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर इरेशनल रूट्स मिलेंगे, लेकिन खैर वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही था। जिन जिन बच्चों को मजा आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ये कर दीजिएगा मेरी खुशी के लिए। और दूसरा कि जो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं हर रोज लाइव सेशन में, तो ये मुमकिन है। कैसे? आप एक लिंक, ये जो लिंक दिया हुआ है, ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी होगा, vdnt.in/ytpro, इस पे जाइएगा, खुद को रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जब आपको पैसे पे करने होंगे तो उस वक्त एक ऑप्शन आएगा, आई हैव अ कूपन कोड, तो वहाँ क्लिक करके इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो वो जो पैसे दिख रहे होंगे वहाँ पे वो कम हो जाएगा, उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे और अच्छी बात अभी ये है कि उसमें पहले 20% डिस्काउंट मिलता था यहाँ पे, अभी कुछ दिनों के लिए 14th से 17th, ठीक है, तो अभी कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट बढ़ के 50% हो गया है, तो ये बस कुछ ही दिनों तक रहेगा, 17 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पहले मेक श्योर दैट यू अप्लाई द कूपन कोड HP Pro, और इस कूपन कोड से आप वो 50% का डिस्काउंट ले लें। अब मैं बता देता हूँ प्राइस कितना है। तो यार प्राइस जो है ना वो फाइनल इतना है, 2700 रुपये। अब 2700 में पहले 2159 में मिलता था HP Pro लगाने से, अब HP Pro लगाओगे तो 1350 रुपये में मिलेगा। और इसमें सिर्फ मैथ नहीं, बल्कि मैथ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बायो सोशल साइंस, इंग्लिश, सारी चीज़ें होंगी, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी होंगे, है ना, अच्छी बात। ठीक है, तो ये प्राइस आपको पे करना होगा फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए सारे सब्जेक्ट्स इतने ही पैसे में पढ़ सकते हो। जो लोग इस डिस्काउंट में ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, तो 3 महीने का ले लेना, ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो दैट वॉज ऑल फोक्स, अब मिलते हैं अगले सेशन में, फिर से मुलाकात होगी बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई बरकरार रखो, मज़े से अपना पढ़ाई करो, और आई एम डैम श्योर कि बोर्ड्स में बहुत अच्छा करोगे, इस बार तो टाइम भी बहुत मिला है। ठीक है, तो चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, गुड नाइट।